अर्ज किया है कि शब्दों से रोज मैं कुछ इस तरह से मिलता हूँ, शब्दों से रोज मैं कुछ इस तरह से मिलता हूँ, कलम हाथ में आते ही ब्रेकअप का दौर लिखता हूँ। तो इजाजत चाहूंगा, पहला शेर है कि तेरी यादें मुझे कुछ इस तरह से नोचती हैं, तेरी यादें मुझे कुछ इस तरह से नोचती हैं, मैं सुकून से बैठा हूँ मुझे घर आके खोजती हैं, मैं सुकून से बैठा हूँ मुझे घर आके खोजती हूँ। तो अगला शेर है, बड़े बेकार लगते हो, बड़े बेकार लगते हो, मेरे जज्बातों का तमाशा सरे आम करते हो। मैंने कहा था राज रख लेना इस मोहब्बत को, मैंने कहा था राज रख लेना इस मोहब्बत को, तुम तो मुझे ही बेवफा करार करते हो। तो अब क्या ब्रेकअप होता है, तो सीन होते हैं ब्रेकअप में, अब लाइफ में अब सुकून भी है, यादें भी हैं, भैया याद आ रही है तो लिखेंगे भी, बताएंगे भी कैसा हो रहा है ब्रेकअप। अब रिलेशनशिप में थे तो अब वो कहीं जा रही है तो साथ में जा रहे हैं, भैया घर तक छोड़ देंगे, सिक्योरली पहुंच जाए वो बिल्कुल, है ना। अब रात में निकल रही है, अच्छा मेरे को बता देना मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा या तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो उस पर कुछ लिखा है कि इतनी बेकौफ ना निकला कर घर से, इतनी बेखौफ ना निकला कर घर से कि तेरे हाथ में अब मेरा हाथ नहीं है, शहर के माहौल में वो पहले जैसी बात नहीं है। सुन ले मेरी बात को वरना बहुत पछताएगी, यहाँ तो कदम कदम पे दरिंदे हैं, किस किस से इज्जत बचाएगी। तो अब क्या होता है कि ब्रेकअप हो गया, अब हमेशा लड़की की गलती नहीं होती, हमेशा लड़की की गलती नहीं होती, तो अब अपन तो लड़के हैं भाई, अपन दूसरे को ही बोलेंगे या अपने साथ जो हुआ अपन वो बोलेंगे। तो उस पे लिखा है कि इस तरह से वो अपने इश्क की नुमाइश करती है, या इस तरह से वो अपनी वफा की नुमाइश करती है, कह कर के बेवफा मुझे, कह कर के बेवफा मुझे, दूसरों से इश्क की फरमाइश करती है। तो ये जो मैंने अश्क वाला शेर कहा था उसको ज़रा पूरा करूँगा। मेरे अश्क रोज़ मुझे कुछ इस तरह से खोजते हैं, मेरे अश्क मुझे रोज़ कुछ इस तरह से खोजते हैं, मेरे हर एक जख्म को तेरी यादों से नोचते हैं। तो अभी एक और शेर है कि इन हवाओं में वो इश्क कहाँ, इन हवाओं में वो इश्क कहाँ जो आंधियों और तूफानों में है, इन हवाओं में वो इश्क कहाँ जो आंधियों और तूफानों में है, जाके पूछ जरा हमारी अहमियत क्या हमारे दीवानों में। तो धन्यवाद। तो अब क्या होगा कि मतलब हम अपनी गलती नहीं मानेंगे भैया, ना उसकी गलती बोलेंगे, दिल है भैया इसी ने सब कुछ किया है, ना उसकी गलती थी ना मेरी गलती है, ये दिल था इसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो सुन ले धड़कते हुए पत्थर, सुन ले धड़कते हुए पत्थर, लोग क्यों तुझे दिल का नाम देते हैं, शौक तो तेरे बदल जाते हैं चेहरों को देख कर, और लोग हमें बेवफा का इल्ज़ाम देते हैं। आखिरी शेर बोलूँगा, कैदी हूँ मैं तेरी यादों का, कैदी हूँ मैं तेरी यादों के जुर्म का, कि रिहाई तो अब सिर्फ मौत में है, बेवफाई का इल्ज़ाम तो मुझ पर लगा है, तू बता तू किस खौफ में है। शुक्रिया।